उत्तर प्रदेश में अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहे सरकार आती हैं और चली जाती हैं बड़े बड़े दावे करती हैं कि हमारी सरकार आएगी तो अपराध पर ताला कस जाएगा परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता सरकार आती हैं और चली जाती हैं बल्कि कही न कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा मिल जाता है वहीं जनपद भुंजझेर की बात करें तो जनपद भुंझेहर में सात तहसील हैं और सात तहसीलों पर ही अपराध का बोलबाला होता है यहाँ आए दिन कोई ना कोई किशोरी के साथ दुष्कर्म किया जाता है और कोई ना कोई माँ अपने लाल को खो देती है सिर्फ पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार को आश्वासन ही देता रहता है और अपराधी अपराध करके आराम से फरार हो जाता है वही बात करें बुलंदशहर में दीक्षा भाटी की तो दीक्षा भाटी यहाँ अपने भाई के साथ नाबालिग था वो बताया ये भी जा रहा है उसके साथ वो अपने नंसाल जा रही थी किसी काम से जो कि बुलंदशहर को टॉपर में लेकर आई थी सन अठारह में उन्होंने टॉपर किया था जिससे कि स्कॉलरशिप उनकी तीन करोड़ अस्सी लाख रुपए थी उसी पढ़ाई से वो अमेरिका पढ़ रही थी यहाँ इस रास्ते से वो अपनी नंसाल जा रही थी जाते जाते यहाँ दो दरिंदों ने जो कि बाइक सवार थे उन्होंने उस उसको छेड़छाड़ी की उसके साथ में और जब उनसे ना हो सका तो बुलेट जो बुलेट सवार थे वो दो व्यक्ति और वो भी दोनों नाबालिग थी उसका जो भाई था दीक्षा भाटी का सुदीक्षा भाटी जब उन्होंने देखा कि शायद हमें कोई टॉर्चर कर रहा है और हमारा कोई पीछा कर रहा है तो उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घोर जंगल है यहाँ वो किसी से मदद नहीं मांग सकती थी तो वो जैसे ही जैसे वो आगे बढ़ती गईं तो जो व्यक्ति थे जब वहाँ से वो निकल कर जा रहे तो उन्हें तेज़ ब्रेकर उनसे नहीं संभा पाया संभाल पाया उनका भाई और यहाँ उनकी टक्कर हुई और वो ऐसे ही उल्टे मुँह के बल नीचे गिर गई जिससे कि उनकी मौत हो गई आपको दिखा दें साफ़ तौर से तस्वीरों में कि ये वही बुलेट हैं जो पुलिस प्रशासन ने जांच पड़ताल के लिए उठा ली गई हैं जिन पर जाट लिखा हुआ है और जो ब्लैक कलर की हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे उठाई गई हैं यहाँ के जितने ये औरंगाबाद क्षेत्र की बाइक हैं सारी उठा ली गई हैं और आपको बता दें कि ये वो बाइक है जो वो दोनों बहन भाई सुदीक्षा सिंह और उनके भाई इस बाइक से ही सवार होकर अपने मामा जी के यहाँ पर जा रहे थे देश की बहादुर बेटी सुदीक्षा भाटी के आज हम नंसाल में मौजूद हैं इनके मामा जी से हम बात करेंगे कि क्या कुछ वो जानकारी सुदीक्षा भाटी के बारे में देंगे जी सर क्या नाम है आपका ईश्वर सिंह पोस्ट है जैसा कि उनके साथ ये इतना बड़ा हादसा हो गया तो आप क्या कुछ जानकारी देंगे इसके बारे में इसके बारे में हादसे जब जैसे ही वो बुलंदसर से क्रॉस हुई हैं आठ उनतालीस पर कॉल है हम यहीं बैठे हुए हैं कॉल आई तो उसने के मामा जी नमस्ते हमने बुलंदसर क्रॉस कर लिया है जी। अपने छोटे भाई निगम भाटी का जो कि मेरे पास पढ़ता था विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जहंगराबाद में वहाँ से अभी उसने हाई स्कूल टॉप किया वहाँ से जी। उसके मार्कशीट और सनद कागज़ लेने के लिए टीसी लेने के लिए उसका एडमिशन मिहभोज इंटर कॉलेज दादर में कराने के लिए हम हाँ आए थे जी। इतनी बात होने के बावजूद कि हमारे मामा जिया आप तैयार रहना फ़ोन कट जाता है उसके बाद आठ इक्यावन पर मेरे पास कॉल आती है किसी दूसरे बंदे की कि आपके बच्चों के साथ हादसा हो चुका है और उन्होंने मुझे लड़के को जो हमारा भंजा के आपका भंजा ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो चुका है जी। हम यहाँ से तुरंत चल देते हैं बाइक जैसी रास्ते में पहुँचती है तो उधर से स्वयं निगम का कॉल आता है कि मामा जिया आप जल्दी आ जाओ कि दीदी में कुछ भी नहीं है अच्छा हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमसे पहले जाकर एम्बुलेंस वहाँ हम पहुंच नहीं पाते तब तक एम्बुलेंस में उसको ले आके लखावटी सरकारी हॉस्पिटल में ले आते हैं लेकिन हम भी पीछे पीछे सिर्फ घटनास्थल पर ना जाने के बावजूद उसी के पीछे हो जाते हैं और जैसे हम उसी के पीछे पीछे चलते हैं तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग की मैं लापरवाही बताता हूँ वहाँ जाके उन्होंने जैसे ही <coughs> जैसे उन्होंने वहाँ गाड़ी को अंदर गेट में रखा और खोल के डॉक्टर को बुलाया कि आप इसका ट्रीटमेंट करें तो मेरी बाइक वहाँ के जुबराती तो वहाँ के जो बड़े डॉक्टर हैं बड़े डॉक्टर उनसे जब पहले तो ट्रीटमेंट के लिए मना करते फिर कहते ये कोई मुर्दा घर है अच्छा। जब उन्होंने मुर्दा घर बोला तो मैं तुरंत इतने में मैं पहुँच जाता हूँ मैंने कहा तुम बोल क्या रहे हो तुमने कैसे साबित कर दिया ये मुर्दा घर है इतना कैसे वो शांत हो जाते तो सबसे बड़ी लापरवाही तो मुझे वहीं से दिखाई देगी जैसा कि सुदीक्षा भाटी के पापा जी ने भी ये बात कही है कि कोई नहीं सुन पा रहा था प्रशासन से भी उन्होंने गुहार लगाई कि हमारी बेटी को सही अस्पताल में भर्ती कराइए तो क्या कुछ उसमें आप कहेंगे सही अस्पताल में वहाँ उन्होंने बिल्कुल उसको ऑन द स्पॉट डेथ घोषित कर दिया और फिर हमने भी मौके पर जाकर देखा सारी चीज़ें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि हम उसे कहीं भर्ती कराते तो प्रशासन वहाँ पर कितने टाइम पहुँचा प्रशासन वहाँ वहाँ पर पहुँचने के बावजूद तो प्रशासन वहाँ पंद्रह बीस में आधा घंटा प्रशासन ने पहुँचने में वहाँ लगा दिया था तब तो वहाँ पहुँच गए थे तो यहाँ उसकी नंद से सुदीक्षा को कितना लगाव था कितना यहाँ पे आती जाती थी यहाँ से तो उसे बहुत इतना ज्यादा लगाव था कि साल में उसका एक चक्कर यहाँ जरूर लगना जैसे किसी की छुट्टी से विदेश से भी अमेरिका से तब भी यहाँ थी तो उसका यहाँ आना बहुत जरूरी था अच्छा जैसे कि बचपन में अपनी ननसाल से बहुत लगाव होता है हर बच्चे को तो यहाँ वो कितना टाइम देती यहाँ कम से कम बचपन में तो उसका छः छः महीने का टाइम दे जाते थे छः महीने साल भर सा, एक ए, एक बार तो बचपन में एक साल रुकी है छः महीने रुकी लेकिन पढ़ने का बचपन से ही स्वभाग कुछ ही था कोई अखबार मिल जाना कोई इंग्लिश का अखबार मिल जाना कोई हिंदी का अखबार मिल जाना पुरानी किताबें मिल जानी उसी को चाहे उस पर पढ़ना आए या ना लेकिन पढ़ते पल पलट पलट के उस पर उंगली घुमाना सारी चीज़ें तो पुत के पैर पालने में दिख जाते हैं तो हमें उससे ऐसा लगता था कि कोई होनहार कोई ऐसा गुण है कोई ऐसे लक्षण है कि ये कुछ बड़ा करके जाएगी और बड़ा कार्य समय करवार उसने करके भी दिखाया जैसा कि सुदीक्षा भाटी का नाम पहले कुछ और था और अब कुछ और है वो कैसे पढ़ा दरअसल ये सारे जितने बच्चे हैं इन सभी का नाम मेरा रखा हुआ है मैं इनका मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं जैसे जितने बच्चे हैं एक यही नहीं हमारी चार बहन हैं जी। चारों बहनों के जितने भी बच्चे हैं वो सारे सारे सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हैं और हमें सबसे ज़्यादा प्रेम है तो मैंने भी इसका नाम सुदीक्षा रखा था शुरू में लेकिन बचपन से उनके घर वालों ने और से परिवार वालों ने हमारे मौसी मौसा जी ने नाना नानी ने उनका नाम सोनिया रख दिया लेकिन बीच में जब उसने मम्मी से कहा कि मामा जी ने मेरा नाम अच्छा नहीं रखा तो बहन जी ने बताया उसको पता चला कि मेरा नाम सुदीक्षा रखा है तो उसने तीसरी कक्षा कक्षा में अपना नाम भी चेंज करके सुदीक्षा भाटी रख लिया था रख लिया जैसा कि उन्हें खाने में या फिर घूमने में या फिर जैसा आपने बताया कि गेहूँ के समय में पूरी बातें घूमने फिरने की बात तो घूमने फिरने की वो शौकीन थी बहुत ज़्यादा शौकीन थी खाने पीने की व्यवस्था ऐसी थी खाने पीने की उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं कोई सारी चीज़ नहीं केवल उसे खाने से पेट भरने से मतलब था बाकी तो सब कुछ सूसरा करने का हम अगर कोई काम करते हैं खेत का काम करते हैं, तो हमारे साथ साथ चली जाती है उसके शरीर में इस तरह का कोई आलकस नहीं उसके शरीर में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं कोई अपना काम ना करूं मैं मामा के आई हूं तो यहां ठा ले रहा हूं अमेरिका से भी एक बार वहाँ आई थी गर्मी के सीजन में हम खेत काट रहे हैं गेहूँ काटने चले गए बेटा तुम यहाँ रहना पीछे से दरती लेके हमारे पास पहुँच जाती है बोले मामा जी मैं भी

पास की तो उसका टूर लगा एक बार सोनीपत का एक बार अमेरिका का जब अमेरिका से घूम गए तो बोली मामा जी और अपने पापा जी से मामा जी मेरा सपना तो आई नहीं बनना मुझे अच्छा। बोले बेटा क्या क्या अब मुझे और बहुत बड़ा कुछ करना है इतना बड़ा करना है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता की बेटा सारी चीज़ है अब ये हमारी बचपन से आदत रही है हमारी अभी आदत हम बच्चे पर अपनी इच्छा नहीं थोपते आपकी इच्छा अनुसार आप जैसा बनना चाहते हैं आपका पूर्ण अधिकार है स्वयं अपने ऊपर आपका अधिकार है आप अपने आप को आजाद रखो जिस तरफ जाओगे हम नहीं रोकेंगे हम केवल आपकी सपोर्ट कर सकते हैं इतना लेकिन अब उनके जो भाई हैं बहन है वो कितने छह भाई बहन हैं वो सारे भाई बहनों में सबसे बड़ी थी सबसे बड़ी थी। लेकिन एक उसने बहुत बड़ा काम किया है कि हमेशा अपने भाई बह बहनों को प्रेरणा देना उन्हें उस रास्ते पर चलाना अगर यहाँ होती भी नहीं है अमेरिका भी होती हैं उन्हें ऑनलाइन क्लास देकर ऑनलाइन अपने बहन भाइयों की पढ़ाई करना उसके साथ आठ आस पड़ोस में जितने भी हैं सभी को सबको जानती हैं परिवार के चाचा के ताऊ के जैसे भी सभी को बुला के सबसे कह देती है कि सारे बच्चों को बुला बट मैं ऑनलाइन तुम्हें पढ़ाई कराती हूँ उसका सपना था कि एक कुछ ऐसा करना महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करना लड़कियों के लिए कि जो उनका नाम रोशन हो कुछ ऐसे वंचित समाज के लिए कि जिन बच्चों के लिए कि हकीकत में उनके अंदर प्रतिभा हैं उनके अंदर गुण हैं लेकिन किसी असुविधा के कारण किसी पोजीशन के कारण गरीब स्थिति के कारण वो आगे चल नहीं पाते आगे निकल नहीं पाते उनके लिए एक उसने उभरती प्रतिभा के नाम से संस्था भी चलाई थी गांव में और जो संस्था आज भी चल रही है अब हमारा मकसद सिर्फ यही है कि उसे न्याय मिल जाए और वो जो उसका सपना था एक उभरती प्रतिभा जो उभरती प्रतिभाएँ पूरे देश में कहीं भी हैं उन्हें निकलने के लिए एक उसके नाम से कोई संस्था चलते वो अपने घर से कमज़ोर थी या फिर ठीक थी ये कुछ जानकारी हो अपने कमजोर घर से कमजोर थी नॉर्मल थी इतना कोई हाई फाई परिवार नहीं था नहीं ही इतना कोई पढ़ा लिखा परिवार था केवल नॉर्मली अपना गुजारा कर रहे हैं सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है जैसा कि अब उनके पिता ने बोला कि अब हमारा कोई नहीं रहा सिर्फ वही थी तो अब उनकी जो आस है परिस्थितियाँ तो सब कुछ ही सुदीक्षा पर डिपेंड था जी। एक उनका ही नहीं हमारा सबका सपना बना गया था उनके पूरे गांव का सपना बना गया था कि सुदीक्षा एक चांद है ये अपने परिवार के लिए नहीं आप हम सब के लिए कुछ ऐसा करेगी जिसका जैसे कि देखिए जब चिराग जलता है तो उजाला चारों तरफ होता है वो एक ऐसा चिराग था कि जिसका उजाला को कहीं कहीं कोसों दूर तक देश विदेश और दुनिया तक जाता था प्रशासन का इसमें क्या कुछ कहना है सरकार का क्या कुछ कहना है उसके बारे सरकार से अनुरोध है सरकार सारी चीजें सरकार गुमराह कर रही है सरकार इस केस को किस दिशा में ले जा रही है महज़ एक एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट आए अचानक हो गया उस दिशा में ले जा रही है लेकिन हकीकत रियलिटी कुछ है जो बच्चों ने देखा है जो बच्चों ने नोटिस किया है मान लो बहन भाई के साथ पीछे कोई बाइक लग ले, ले नॉर्मल सी आगे निकल गई कोई दिक्कत नहीं है और किसी कारणों से उसे पीछे निकल गई फिर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बार दो बार तीन बार या चार बार कोई आगे आना फिर पीछे जाना आगे आना फिर पीछे जाना तो वो नोट में हो जाता नोटिस कर लेते हैं उसे कोई भी है ए टू जेड हमारे भी सामने कोई गाड़ी दो या चीर चार बार निकलती आगे है आगे पीछे हो जाती है उससे हम भी नोट लेते हैं तो अगर कहीं हम बुलंदशहर से चल रहे हैं और जाके गाज़ियाबाद हमें दिखाई देती है जो चार बार नोटिस होगी तो तुरंत हमारा ध्यान चला जाता है कि तीन चार बार हमसे क्रॉस हुई है तो इस तरीके से जो तो चारुलंदर निकलने के बाद चार छ किलोमीटर पांच दस किलोमीटर से जो आगे पीछे प्लेट पर जाट लिखा हुआ है और यूपी तेरा लिखा हुआ है बाकी नंबर भी है लेकिन वो बात इतनी नोट नहीं के बाद उन्हें क्या पता था कि हमारे साथ ये हादसा होगा ये घटना होगी और एक नोटिस जब आगे पीछे जाने तो उनकी पहचान होगी इतनी दूर से आगे से निकलने आगे पहुंचने के बाद किसी जानकार से वहीं दुर्घटना स्थल से मात्र सौ कदम पहले या सौ मीटर पहले एक बिल्डिंग मतलब की दुकान है वहाँ पर रहते हैं उस बात नोट करते हैं इस सारी चीज़ों को तो इस मुद्दे पर सरकार और शासन प्रशासन वहाँ ले जाना नहीं चाहता मुद्दे को अभी सुना है हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं डीएम का भी स्टेटमेंट हमारे सामने आया है एसएसपी का भी स्टेटमेंट हमारे सामने आया है वहाँ इसको दूसरी दिशा दी जा रही है तो आपको ये लगता कहीं ना कहीं ये इसमें जो प्रशासन है वो कमजोरी है प्रशासन कमजोरी नहीं प्रशासन पूरी तरीके से कमजोरी दिखा रहा है पूरी तरीके से इस केस को दूसरी दिशा की तरफ ले जाना चाहता है जहाँ इस केस को कुरान के सुनने में ऐसा भी आया है कि प्रशासन पुलिस बटबान करते हैं औरंगाबाद थाने की तरफ से औरंगाबाद पुलिस की तरफ से के 100-200 इनफील्ड मोटरसाइकिल वो अरेस्ट की गई हैं वो पकड़ी गई वो थाने में मौजूद हैं लेकिन अहम मुद्दा अहम सबसे बड़ा सवाल ये जो बात नोटिस की है जो बात बच्चों ने बताई है और जो बात उस दिन से आज तक घूम रही है कि वो यहाँ लोगों से हाय हेलो नमस्ते कर रहे हैं बिल्डिंग बैठे है, उनका स्थाई काम है उनसे सारी कड़ी खुल जाएगी तो जैसा कि आपने बताया जो इनफील्ड थी उसने किसी बंदे से नमस्कार किया वहाँ पे आसपास के लोगों से तो आखिर प्रशासन उन्हें क्यों नहीं पकड़ पा रही है यह क्या पूरी ये वजह तो प्रशासन ही जान सकता है आपको क्या किस जान सकता हमने ये, ये जानते कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि कहीं ना कहीं लीपा की जा रही है कहीं कही ना कहीं गुमराह किया जा रहा हो